स्वागत है आप सभी का विविध भारती की रंगोली में। विजय पर्व दशहरे के पावन पर्व पर आप सभी को रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो रेणु जी, मनोरंजन के सिलसिले को शुरू कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं और आइए सबसे पहले सुनते हैं ये बेहद लोकप्रिय गीत मधुमति फिल्म का। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गाना अभी आपने सुना, शैलेंद्र का लिखा, संगीत सलिल चौधरी का और फिल्म मधुमति। मधुमति ये वो फिल्म रही है रेणु जी, जी, जिसके बारे में फिल्मों के शौकीन हमारे दर्शक ये जरूर जानते हैं कि ये इकलौती फिल्म थी जिसने पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित होने के बावजूद बेहद लोकप्रियता हासिल की। जी हाँ, इसकी लोकप्रियता ही कुछ ऐसी थी कि शायद फिर चलन सा हो गया कि लोग फिल्म जो है पुनर्जन्म की कहानी पर ही बनाने लगे। लेकिन आज हम फिल्मों की बातें नहीं करेंगे, तो फिर बातें करते हैं उनकी जो दिल की तड़प से
ग्रसित हैं। अच्छा? यानी उनकी बात करते हैं रेणु जी, जी जो दिल की तड़पती पुकार को सुनकर ख्वाबों से निकलकर नजरों के सामने आ जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है, नजरें पलकें झुकाना भूल जाती हैं और पर बस होठों से ये निकल पड़ता है। चौदहवीं का चांद, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर मोहम्मद रफी का, शकील बदायनी का लिखा गाना, रवि ने इसकी धुन बनाई। जी हाँ, और इस फिल्म में गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान का जो दिलकश अभिनय था, वहीं पर इस कहानी में एक प्रेम त्रिकोण भी तो था। ये प्रेम त्रिकोण जो है हमारे प्रोड्यूसर्स की एक खास तरह की पसंदीदा कहानी रही है हमेशा। जी हाँ, इसी सब्जेक्ट पर कई फिल्में बनी। वो तो है, वैसे भी कहते हैं ना कि कहानी में जब तक कि कोई मोड़ ना हो, कोई त्रिकोण ना हो, मतलब यानी कि तीसरा कोण ना हो, तो कहानी में मजा नहीं आता और ना तो कहानी आगे बढ़ती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मोहब्बत में होता है, कोई हसीन चेहरा सामने हो और उसकी तारीफ ना हो तो बात आगे नहीं बढ़ती। जी हाँ, हम समझ रहे हैं आपका इशारा है बहारें फिर भी आएंगी फिल्म के इस गीत की ओर। जी हाँ बिल्कुल, इसे अनजान ने लिखा है और ओपी नैयर ने इसकी धुन बनाई है। आइए सुनते आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख से आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियां, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियां, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियां, शबाब आपका
शबाब आपका, शबाब आपका, न शर्म खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आप निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बताइए, जब ये हसीन पल नजरों से दूर हो जाते हैं तब ये दीवाने आशिक क्या करते होंगे? आपने तो आशिकों की दुखती रग पे हाथ रख दिया। क्यों, ऐसा क्या कह दिया? अजी सोचिए, जो पल भर के लिए भी दूर होना नहीं चाहते उनके लिए तो दूरियां आग बन जाती हैं। लेकिन कोई तो तरकीब होगी कि दिल को सुकून मिल सके। बिल्कुल है, जरूर है। माशूक की तस्वीर, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। बस आज मेरी खोई तकदीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई, मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। दीवान के लिए एक जंजीर मिल गई,
तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। बेताब का ये गीत स्वर शब्बीर कुमार का, आनंद बख्शी का लिखा गाना और राहुल देव बर्मन का संगीत। एक बात ये बताइए अमर जी, ये तस्वीरों की कितनी अहमियत होती है? तस्वीर यादों का सहारा होती है, ख्वाबों का बहाना भी होती है। बिल्कुल, इन्हीं तस्वीरों के सहारे कई कई ख्वाब बुन लेते हैं प्यार करने वाले। जी हाँ, और इन्हीं तस्वीर में से झांकती हुई जो आंखें होती हैं उनमें पूरी दुनिया नजर आ जाती है, और इन्हीं तस्वीरों इन्हीं ख्वाबों इन्हीं आँखों के इर्द गिर्द एक सुरमई सुरीला संगीत गूंजता है जो इन्हें इन्हीं आँखों में दिखाई देता है, सुनाई देता है। आइए सुनते हैं।
तो सुरों की है ये रंगोली। साजिद वाजिद का सुरबद्ध किया ये गाना वीर फिल्म से आपने सुना। क्या सोच रही हैं रेणु जी? अरे अमर जी, मैं ये सोच रही हूँ कि ये आंखें सुरीली कैसे हो सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आंखें नशीली होती हैं, जैसे आंखें झील सी गहरी होती हैं, जैसे आंखें खुशबूदार होती हैं, महकती हुई होती हैं। अब बहुत अजीब सी बात है भाई। अब अजीब सी बात अगर आप कह रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत होती ही अजीब शय है। भाई लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि होती है शय लेकिन करते भी हैं लोग, कितने आशिक हैं। और अब ज्यादा मत सोचिए आप। क्यों, फिर करें क्या? जस्ट टेक इट इजी। पीके मिश्रा का लिखा ये गाना अभी आपने सुना। हमसे है मुकाबला ये फिल्म और एआर रहमान का संगीत। जी हाँ, और पर्दे पर प्रभु देवा। कमाल कर दिया है भाई, देखिए एक साथ निकल जाता है मुंह से जब इस तरह से जोड़ी आती है। और कहना चाहिए कि हिंदी फिल्म के दर्शकों के दिलों में इन लोगों ने जगह बना ली अपनी एक अलग तरीके से। तो रेणु जी क्यों ना ए आर रहमान का सुरबद्ध किया एक और गाना सुनते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग स्टाइल वाला। वो सच कह रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो भी दिल से। तो सुनते हैं हम भी दिल से। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाओ जन्नत चले चल छैया छैया, पाओ जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया।
चल छैया छैया सारे इश्क की छाँ चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 से फिल्म का ये गाना सपना अवस्थी सुखविंदर सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे, गीत लिखा गुलजार ने और धुन बनाई ए आर रहमान ने। अमरकांत जी, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि ज्यादा सोचिए मत, लेकिन गुलजार साहब की एक पंक्ति बार बार याद आती है और सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कौन सी? जैसे उन्होंने कहा है कि जिनके सर हो इश्क की छांव, पांव के नीचे जन्नत होगी। कुछ देर पहले मैंने आपसे ये भी कहा था कि मोहब्बत होती ही अजीब शय है, तो वो क्यों भूल गए आप? देखिए, ऐसा है, प्यार का ये जो एहसास है या प्यार की जो बात है, हर नौजवान के लिए अलग एहसास की तरह होता है। वो तो है, और शायद इसीलिए प्रेम करने वाले जो है ना, इस इश्क को इबादत की तरह। स्वर्णलता और उदित नारायण की आवाजें, ए आर रहमान का संगीत और फिल्म का नाम पुकार। रेनू जी जी, प्यार की पुकार उस समय सुनाई देने लगती है जब जवानी की दहलीज पर पहला कदम पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर होना क्या है, जैसे ही कोई जवान जाने मन हसीन दिलरुबा नजरों के सामने आती है तो दिल निसार हो जाता है। Thank you.
आशा भोसले की आवाज में फिल्म नमक हलाल। जी हाँ, संगीत बप्पी लहरी का। नेक्स्ट वीक एक फिर होगी म्यूजिकल मुलाकात, फिर होगी लिरिकल बात विविध भारती की रंगोली के साथ। अभी अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।
रंगी है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली। रंगोली है ये रंगोली, सतो सुर